हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगीत शिक्षा हिंदी में। मैं शिवम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का ट्यूटोरियल है राग भोपाली। तो राग भोपाली के बारे में मैं आपको परिचय बताते हुए इसकी बंदिश की स्वरलिपि बताऊंगा और बंदिश को कैसे गाना है तिहाई लगाकर इसकी समाप्ति में करूंगा। तो राग भोपाली, सबसे पहली चीज थोड़ा सा इसका परिचय मैं आपको बता देता हूँ। राग भोपाली एक प्रचलित राग है और एक प्राचीन रागों में इसका वर्णन है और लेख है। साथ ही साथ यह राग को भूप नाम से भी जाना जाता है और इसको दक्षिण भारत संगीत पद्धति में मोहन राग के नाम से जाना जाता है। आइए अब इसके जो परिचय है उसके बारे में बात करते हैं कि राग भोपाली कल्याण थाट से जनित है। इसकी जाति ऑर्डर ऑर्डर है, मींस पांच पांच स्वर है आरोह अवरोह दोनों में। उसके साथ ही साथ इसमें जो वर्जित स्वर है, पांच पांच स्वर है तो दो स्वर तो कोई वर्जित होगा ही, तो उसमें वर्जित स्वर जो है वो है मा और नी। वादी स्वर गंधार है, संवादी निषाद है और इसका गायन समय रात्रि का प्रथम है यानी सायकालीन है और इसकी सब प्रगति राग देशकार है। बिल्कुल सेम आरोह अवरोह है पर वो बिलावल थाट का है राग देशकार और जस्ट अपोजिट है उसका वादी संवादी धागा है, इसका गाथा है। इसकी प्रकृति गंभीर है, ये पूर्वांगवादी रागों में आता है और वो उत्तरांगवादी रागों में आता है और इसमें ध्रुपद बड़ा ख्याल छोटा ख्याल तराना गाने का प्रचार है, इसमें ठुमरी नहीं गाई जाती। तो चलिए आइए सुनते हैं इसका आरोह, गाते हैं आरोह और अवरोह और पकड़। तो मैं इसे पहले काले से कर रहा हूँ, इसे पहले काले से मैं गा रहा हूँ और फीमेल लोग, फीमेल पर्सन जो है वो चौथे काले से गा सकते हैं। तो मैं दोनों ही स्केल से आपको आरोह अवरोह बता दूंगा, फिर स्वर तो वही रहेंगे। तो आप बंदिश के स्वर लिपि में बोलूंगा तो आप इसे लिख सकते हैं आराम से, वीडियो पॉज कर करके आप लिख सकते हैं। मैं दो दो बार रिपीट करूंगा लाइन। चलिए शुरू करते हैं आरोह अवरोह। और तो ये इसका चलन है, ये मंदिर में ज्यादा साफ समझ में आता है। वैसे चलन तो इसका तीनों सप्तक में, पर अधिक इसका मंदिर में है, मंदिर में ज्यादा क्लियर दिखता है। अगर हम ऊपर गाएंगे मध्य से ऊपर तार की ओर इस तरफ तो ये देशकार हो जाएगा यानी उत्तरांग में चला जाएगा, इसीलिए पूर्वांग में रहता है। चलिए तो शुरू करते हैं इसके बंदिश। तो बंदिश के बोल है जाऊं तोरे चरण कमल पर वार, स्थाई में तीन लाइन है, अंतरे में तीन लाइन है, तीन ताल में निबद्ध है, मध्य लय में गाया जाएगा और बंदिश इसकी पांचवी मात्रा से प्रारंभ हो रही है। तो जाऊं तोरे चरण कमल पर वार, हे गोपाल गोविंद मुरार, शरणागत हूं द्वार तिहार। ये स्थाई की बोल है, तो एक बार स्थाई हम लोग सुन लेते हैं। जाऊं तोरे चरण कमल पर वार, जाऊं तोरे चरण कमल पर वार, हे गो शरणागत द्वार।
सम इसकी वार पर है। जाऊं तोरे चरण कमल परवार, जाऊं तोरे चरण कमल परवार। यहां सम है इसकी। तो आइए अब स्थाई की स्वर मालिका देखते हैं। तो पहली लाइन है जाऊं तोरे चरण कमल परवार। एक एक लाइन में आपको बताता हूं। गा गा धा धा, एक एक विभाग स्वरों की बताता हूँ। चार विभाग बनेंगे तीन ताल में, 16 मात्रा की है, चार चार डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली। गा गा धा पा, ये पहला विभाग है। गा गा धा पा, पहला विभाग है। दूसरा गा रे, दूसरा विभाग सा धा सा रे, तीसरा विभाग सा धा सा रे, गा 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 गा, चार गा। तो ये पहली लाइन हुई, एक बार इसे पूरी गाते हैं। गा गा धा पा गा रे सा सा रे गा 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 गा। क्लियर। अब दूसरी लाइन के स्वर मालिका देखते हैं। गा पा धा रे, ये पहला विभाग है। गा पा धा रे सा सा सा, हे गोपाल गा पा धा रे सा 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 सा, सारे सा गा पा गा, सारे सा गा पा गा। ये तीसरा विभाग है। सारे सा गा पा गा, गा पा धा रे सा 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 सा, सारे सा गा पा गा। तो ये दूसरी लाइन की स्वर मालिका हुई। रुक रुक कर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब अंतिम लाइन जो है सा सा गा रे सा गा सा सा बाधा सा गा पा गा रे सा 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 गा रे सा गा सा सा बाधा सा गा पा गा रे सा। ये इसकी स्थाई की स्वर मालिका होगी। और फिर से दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं। गा गा धा पा गा रे सा गा सा रे गा 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 धा पा गा रे सा धा सा रे गा 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 पा धा रे सा 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 रे सा धा पा गा सा सा गा रे सा धा सा सा पा धा सा धा पा गा स्वर मालिका हुई स्थाई की। अब अंतरा देखते हैं। अनगिन दुरत भयो जड़ मत, अनगिन दुरत भयो जड़ मत, किस विध पाऊ चतुर तुम रे बल, तुम ही जग के एक की अंतिम लाइन। तो स्थाई की अंतिम लाइन जैसे सेम ही है, तो नो प्रॉब्लम। उसमें शब्द अलग है। इसके शब्द हैं अनगिन दुरत भयो हूं जड़मत, किस विद पाऊं चरण, किस विद पाऊं तुम रे चतुर तुम रे पग, किस विद पाऊं चतुर तुम रे पग, तुम ही जग के एक आधार। तो देखिए पा पा गा गा पा पा सा गा सा 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 रे सा सा, ये पहली लाइन है। पा पा गा गा, पहला विभाग पा पा सा धा, दूसरा विभाग सा 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 सा, चार सा, फिर सारे सा सा। अनगिन दुरत भयो जड़ मत, अनगिन दुरत भयो जड़ मत। तो सर आप साफ है, जब चार सा हो तो आप उसे रोक कर गा सकते हैं। जब गाएं वैसे बजाते समय उसको पूरा बजाएं। फिर किस विध पाऊं चतुर तुम रे बग, धा 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 सा 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 सारे सा धा पा गा। दूसरी लाइन है किस विध पाऊं चतुर
अंतिम लाइन तो सेम ही है, सा सा गा रे सा रा सा सा बा रा सा रा बा गा रे सा। किस वेद पाऊं चतुर तुम्हारे भग, तुम ही जग के एक आधार, जाऊं तोरे चरण कमल पर। तो ये इसकी स्वर मालिका हुई। तो अब इसकी तिहाई देखिए किस तरह से लगेगी। तिहाई थोड़ा सा डिफरेंस है, जो खाली से बंदिश प्रारंभ होती है, जो मैंने बंदिश इससे पहले बताई है उनका अलग तरीका है, इसका अलग तरीका है। तो देखिए, जब हम पूरी लाइन एक बार गा लेंगे, जब पूरी बंदिश हमने गा ली, इस तरह से लगेगी पूरी लाइन गाकर आखिरी का जो पोर्शन है, चरण कमल परवार, चरण कमल परवार, दो बार रिपीट होगा। और एक जो तिहाई तो वैसे तीन बार रिपीट होता है, पर एक उसी में सम्मिलित है लाइन में, कि जैसे देखिए किस तरह से आएगी, मैं आपको बताता हूँ। जाऊं तोरे चरण कमल परवार, जाऊं तोरे चरण कमल पर, चरण कमल पर, चरण कमल पर पार। इस तरह से ये पूरी मैंने आपको ताली जरूर लगा कही, तीन ताल के गोड़े। तो इस तरह से रिपीटेशन होगा, ठीक है। आई होप यू विल लाइक इट, सो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड कीप वॉचिंग संगीत हिंदी। संगीत हिंदी देख चैनल को देखते रहें और अपना प्यार देते रहें, घर रहें, सुरक्षित रहें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। इसी विचार के साथ अपना विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।